उसको छोड़ने का टाइम आ गया है। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इट्स 6:15 राइट नाउ। इतना सुबह उठ के मुझे एक ही चीज़ ख्याल है कि पहले पानी दे देता हूँ, बिकॉज आज काफ़ी बिजी होने वाला है मेरा डे। क्या बिजी होने वाला, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई सब पर्सनल वर्क, सो दैट्स रीज़न मैं शायद दिखा ना पाऊँ तो। बट अभी पानी दे दिया है इन सारे पेड़ों में, तो दे दिया पानी। अब कल का मेरा एक टास्क मिल गया है। सो बेसिकली ये वाला जो सेम का पेड़ था उसको मैंने अलग अलग लगा दिया, वहाँ भी लगा दिया। सो बेसिकली मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेड़ के आसपास सेम का है। अब मुझे कल क्या करना है, संडे वर्क, लाइक ग्रो बैग्स तो अगर मिल जाएंगे, वेल एंड गुड, नहीं तो बोरा है उसके पास, अपने पास आधा काट के उसको बना लेंगे। जो बीन्स के पेड़ हैं उसको अलग करना, बिकॉज ये बड़े हो रहे हैं। और फाइनली मेरे मिर्चा टमाटर ये आ गया है, सो इनको मेरे को कल अलग कर देना है, बिकॉज इट्स लाइक ग्रीन, गुड ग्रीन, इनको अलग कर लेना है। और ये मूली ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इस वाली मूली के पेड़ में थोड़ा सा मिट्टी भर के ताकि थोड़ा सा उसको रहेंगे। और इधर वाले मेरे थोड़े सूख गए, नहीं गल गए, या पता नहीं क्या हो गया, बट ये थोड़ा सा ये ऐसे हो रहा है। तो अभी के लिए ये सोचा है मैंने कि जो मेरे नर्सरी हैं वो बन रहे हैं, अब उन्हीं को मैं इसमें लगाऊंगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया मेरे को। ये एक शायद खड़ा, ये हो गया खड़ा, एक यहाँ से ये भी हो ही गया, देखते हैं अगर पत्ते तो आते हैं तो। अभी डिस्टर्ब तो नहीं करने वाला, ये गया, इसमें अब कुछ नहीं बचा है तो इसको बाहर निकाल दो। ये वाला भी है, बाकी देखते हैं, ये भी गया, देखो डेड हो गया। ये शायद एक पत्ता आ रहा है तो इसको रहने देते हैं। ये भी खड़ा हो गया, ये भी आ रहा है तो इसको भी नहीं देते हैं। तो जो मर गए हैं उनको अपन बाहर कर देंगे। और क्या करना है, हाँ चुकंदर तो देखो काफ़ी अच्छे बढ़िया प्लांट्स हो रहे हैं चुकंदर के, तो ये तो अच्छे हो रहे हैं तो इनको कोई डिस्टर्ब ही नहीं करना है। बाकी जो ये वाला पेड़ है मटर का, ये भी सही आ रहा है तो इसको भी सही करना है मेरे को, अलग अलग ग्रो बैग्स में डालना है इसको। तो ये मिट्टी रखिए, ये मिट्टी है, मतलब इनकी अच्छी क्वालिटी की आती है। और ये वाली घास देखो, ये नेचुरल घास है, इसको लगा सकते हो आप। सपन आ गया फिर से परिजात, और यहाँ पर हमको लेने हैं फिर से खाद और मिट्टी, मेरे को कम पड़ गई है। तो आज सोच रहा हूँ कि खाद और मिट्टी के साथ साथ मैं कुछ पेड़ ले लूँ, जैसे अमरूद का हो गया और नींबू का हो गया, ये लेना है मेरे को। बाकी बीज तो बीज भंडार से मिलेगा। गाड़ी बंद कर देता हूँ यार पहले। भैया मेरा पूरा दिन काम पे जा रहा है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा रेस्ट करूँ, बट रेस्ट नहीं हो पा रहा है। आप देखो ये अपनी गाड़ी अभी साफ हुई है, इधर तो किसी और की तरह गाड़ी लगी हुई है। अब मैं यहाँ पिछले 2 घंटे से खड़ा हुआ हूँ और इतनी तेज़ धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है आज, तो समझ ही नहीं आ रहा है। सबसे बुरी बात, सामने देखो पूरा ट्रैफिक हो रखा है उस साइड, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं उधर जाके लाइन लगाऊंगा तो क्या होने वाला है, क्योंकि वहाँ पीछे से मेरे को लाइन दिख रही है, बहुत पुराना पीछे लाइन है। अब किस साइड से जाऊँ समझ नहीं आ रहा मेरे को। हो गया, आज बड़ा पानी मार दिया, अंदर भी पानी आया है, काहे एक्सपीरियंस नहीं रहता कि उनको दे देते हो तुम। तो ये भी लगाना है, इसको लगाओ सही से, हाँ उसको चढ़ाओ। अभी देखो पूरा पानी, पहले पानी मारो उसको। इसको नीचे करो, बता नीचे करोगे अपने आप आ जाएगा। अब मारो, गीला एकदम, पानी पानी अंदर, उधर स्पीकर के पास पानी आ गया, वहां भी उसको पानी सही कर लो। ये देखो पूरा हर जगह पानी, उधर भी कर दियो क्या पानी उस साइड भी। यार कितनी भीड़ हो गई है, पूरा जाम लगा हुआ है, तो काफी बहुत लंबा जाम है।
ये देख रहा हूँ छोटे मोटे स्क्रैचेस लग ही जाते हैं गाड़ी में, कुछ भी हो जाए। ये किसी महान ने जान मुझको स्क्रैच पड़ दिया खड़ी गाड़ी, क्या कर सकते हैं भाई। देखो अभी हो रहे हैं शाम को, शाम के 4:30 हाफ रहा हूँ मैं, क्योंकि अब आज बनाने जा रहा हूँ एक डिफरेंट तरीके का मिट्टी। ओ हाँ, सही हो गई सारी मिट्टी। अब इसमें अपन मिलाएंगे नीम खली, कोकोपीट नहीं मिलाएंगे इस बार, क्योंकि इस बार मिलाएंगे भूसा जो कि बहुत अच्छा होता है। सो इन सबको एक साथ मिक्स करके आज पूरा बनाएंगे, तो टाइम लगने वाला है। बट साथ में इसमें हम मिलाएंगे वर्मी कंपोस्ट, मैं 3 किलो लेके आया हूँ, है ना, और एक नीम खली या भाई ये। हाँ चलो भाई इनको ओपन करते हैं। वैसे तो हिसाब से बांधा है कि खुल जाएगा, लेकिन फिर भी पेशेंस नहीं है अंदर। डालूंगा इसमें नीम खली, और इसकी स्मेल थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन ये बहुत फ़ायदा है, पेड़ जब बहुत अच्छा बना कर रखेगा पेड़ को। अब इसमें मिला रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट, केंचुए की खाद अर्थवर्म, ये तो पता ही कितना अच्छा होता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी देखोगे ना, इससे ज़्यादा बुरादा, इससे ज़्यादा बेस्ट आपको क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी। ये लोग पानी डाल रहा हूँ भूसी, तो भाई अभी सारा बैग बनाते हुए जा रहा हूँ, ग्रो बैग मैं भरता जा रहा हूँ, ये 6 इंच के आसपास का ग्रो बैग है, सारी मिट्टी बन चुकी है, अब इसमें भरना है बस। और इस समय ब्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हैंडल करने, लाइक ग्लव्स भी है, सब चीज़ें, फ़ोन भी गंदा हो रहा है काफ़ी। तो अभी देखो मतलब अभी इतने सारे ग्रो बैग्स बना दिए, अभी और ग्रो बैग्स लेके बैठा हूँ, वो भी बनाना है मेरे को, कंप्लीट करना है। सो शाम होने वाली, देख ही रहोगे, रात होने वाली तो पहले कर लो फिर दिखाता हूँ। सो ये मेरा जो है, मैंने नर्सरी बनाया था पत्ता गोभी का। सो ये देखो काफ़ी पेड़ एयर फैल गए, जब पत्ता खिल रहा है ना तब उसको मैं उठा के ट्रांसफ़र कर रहा हूँ एक ग्रो बैग में। सो एक ग्रो बैग में एक, उस हिसाब से मेरे पास कम से कम 40 तो होंगे ही होंगे, 40 तो है। तो अभी तो खैर कम ही ग्रो बैग बना पाए हूँ, मतलब ऐसे धीरे धीरे करते करते देखो तो काफ़ी ग्रो बैग बन रहे हैं। बट गोभी के मेरे को लग रहा है कम से कम 20 और ग्रो बैग लेना पड़ेगा, क्योंकि एक में एक ही फ्लावर डालेंगे तब जाकर उस हिसाब से आ पाएगा। तो ये सब इसको ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे सेकेंड वाला ये है, अगर मैं इसको निकालूँ ध्यान से तो ये देखो, लेकिन एक में 2 आ गया ये, उसको धीरे से इसके रूट्स ख़राब नहीं होने चाहिए। सो ये में एक आ गया है, अब एक में शायद 2 है, उसको मैं अलग कर लेता हूँ। देखो एक ये पेड़ है, एक अलग अलग पेड़ है, उसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, इसको साइड में रख देता हूँ। वाले में एक डाल दिया, इसमें एक डाल दिया, उस हिसाब से करके मैं यहाँ सबमिट बराबर बांट देता हूँ, फिर करता हूँ। वो बचपन में इससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ की नहीं होती थी, लेकिन ये बात है कि अपने कॉलोनी में टाइम टू टाइम ये सब हो जाता ना, बहुत फ़र्क पड़ता है। चलो अभी धुआं सेट आया नहीं है, लेकिन पता है आज ही मैंने सब जलाया है, देखा जाए कहाँ तक पहुँचा है। टाइम टू टाइम ये सब होता रहे ना, बस धुआं मेरे पास आने वाला है, और जैसे आने वाला मैं भाग जाऊंगा। ओ, 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 ओ नहीं आया, नहीं आया, इधर नहीं आया, अभी इधर नहीं आया, अभी इधर नहीं आया, इधर नहीं आया, देखो ऊपर चला गया, अब आ गया, थोड़ा पीछे हट जाए भैया। तो ये है गोरखपुर में सबसे बड़ी शार्क अब तक अवेलेबल, मेरे को पूरा दिखा देते हैं। ये बहुत ही बढ़िया है, स्पेशल ऑर्डर से ही मंगाया समझ लो, ये तो बिगेस्ट शॉक। तो इसको अपन लगाएंगे, लगाएंगे जैसे मतलब उसको छोड़ रिलीज करेंगे,
इस वाले एक्वेरियम में, क्योंकि इसकी नेचुरल हैबिटेट है, ज़्यादा अच्छा रहते रहेगा। उसको छोड़ने का टाइम आ गया। ये हुआ शार्क की।